सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरु जी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा कंपोजिट एंट्री, हम किस तरीके से टैली में डालेंगे। कंपोजिट एंट्री उस एंट्री में हम पास कराएंगे, लाइक हम एक टेलीविजन सेल कर रहे हैं या एसी सेल कर रहे हैं, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और उस पर इंस्टॉलेशन चार्जेस है या उस पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, तो जो भी हमारा अमाउंट है उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल हो। तो इस तरीके से जो हम इनवॉइस बनाएंगे वो हमारी कंपोजिट एंट्री के थ्रू पास होंगी। कंपोजिट एंट्री में हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम एक एयर कंडीशनर बेच रहे हैं एक पर्सन को और उस पर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी है, इंस्टॉलेशन चार्ज भी है, तो किस तरीके से जीएसटी कैलकुलेट होगा आइए देखते हैं। यहाँ पे एक पर्सन हमने बना लिया है मेहता, जिसको हम सेंट्रल डेटर में यहाँ से पास करा रहे हैं और इसका लोकल स्टेट दिल्ली, क्योंकि कंपनी भी दिल्ली में इस्टेब्लिश है, और यहाँ से जीएसटी डिटेल में हमने इसमें कंज्यूमर पास करा दिया है। उसके बाद हमने एक लेजर भी बनाया है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का, जिसको हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखते हुए यहाँ पर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल रखा है और नीचे की तरफ इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर जीएसटी में गुड्स रखा है, जो भी हमारा प्रोडक्ट पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो रहा है, और एक हमने लिया है इंस्टॉलेशन चार्जेस जो हमारा इनकम है क्योंकि हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसको, और यहाँ पर जीएसटी भी हमने गुड्स के बेस पर रखा है। तो इस तरीके से हमने जो भी एडिशनल हमारे टैक्सेस लेजर हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गया, वो हमने यहाँ पर बना लिया है, और सीजीएसटी एसजीएसटी जो मैनुअल लेजर है और सेल के, ये सब हमने बना लिए हैं। देन इसके बाद हम एक आइटम बना लेते हैं, और आइटम के अंदर जब हमने ऑल्ट्रेशन पे देखते हैं तो हमने यहाँ पर तीन पीसीस का स्टॉक रखा हुआ है, सैमसंग 1 टन के स्प्लिट 3-स्टार एसी जो है हमारे पास, इसके 3 पीसेस का स्टॉक पड़ा हुआ है ऑलरेडी। इसी पीस में से हम एक पीस कस्टमर को सेल कर रहे हैं और किस तरीके से वो हम यहाँ पर निकालेंगे आइए उसको देखते हैं। यहाँ पर हमने 1 सितंबर को एक बिल पास कराया मेहता के नाम से, और जैसे ही हमने यहाँ से बिलिंग लिया है सैमसंग 1 टन स्प्लिट 3-स्टार एसी, इसका कोस्ट प्राइस हमने लग लिया 25,600 रुपये, जिस पर हमारा इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा है 500 रुपये और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगा है 200 रुपये। तो ये जो नीचे सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको दिखाई दे रहा है 3682, ये वैल्यू आई है तीनों अमाउंट को जोड़ने के बाद। तीनों अमाउंट से मतलब हमारा सैमसंग 1 टन स्प्लिट एसी का, इंस्टॉलेशन चार्जेस का और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का। आइए इसको देखते हैं ऑल्ट ए प्रेस करके और ऑल्ट F1 से। यहाँ पे आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन चार्जेस पर भी टैक्स कैलकुलेट हुआ है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस पर भी हमारा टैक्स कैलकुलेट हुआ है। तो ये ट्रांजेक्शन हमारी कंपोजिट ट्रांजेक्शन है और इस पर जो भी हमारा टैक्स बनता है इसको हम कंट्रोल से यहाँ से पास करा देते हैं और अपनी जीएसटीआर रिपोर्ट को देखते हैं। जीएसटीआर रिपोर्ट पर भी हमें यहाँ पर टैक्स दिखाई देगा और जो भी इसका अमाउंट है उस पर 7,364 रुपये टैक्स लगा है। तो इस तरीके की एंट्री जिसमें हम मल्टीपल टैक्सेस जोड़ते हैं कंपोजिट एंट्री के थ्रू जो एंट्री आती है, वो इस तरीके से आपने सीखा किस तरीके से आप टैली में पास कराएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।